तो ए बी टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपका हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं। तो पहला अपडेट आ रहा है ओडिशा एफसी की तरफ से। तो कल ही मैंने आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बता दिया था कि ओडिशा एफसी के डिफेंडर शुभम सरांगी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है ओडिशा एफसी के साथ। 2023 तक ओडिशा एफसी की तरफ से ही शुभम सरांगी खेलने वाला है। आईएसएल सीजन 6 खत्म होने से पहले ही मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दिया था कि शुभम सरांगी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने जा रहा है, लेकिन कल ऑफिशियली घोषणा हुआ है और मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार बता देना चाहिए। तो शुभम सरांगी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के बाद ओडिशा एफसी के साथ 2023 तक जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट, एक विदेशी खिलाड़ी को लेकर बहुत बड़ा रिमर्स निकल के आया है, क्योंकि 5 क्लब ने इंटरेस्ट दिखाया है इनके ऊपर। उनका नाम है रोनिवाल्डो बर्नार्डो सालेस। इनको छोटा सा नाम अगर दिया जाए तो रोनिवाल्डो के नाम से ही यह जाना जाता है। ब्राज़ील से बिलोंग करता है, उम्र है 31 साल 31 ईयर्स ओल्ड और स्ट्राइकर के पोजीशन पर खेलता है। तो कौन सा 5 क्लब ने इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है उन सभी का नाम मैं आपको बता देता हूं। तो एफसी गोवा ने इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, उसके बाद हैदराबाद एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया है, बेंगलुरु एफसी है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी है और जमशेदपुर एफसी। टोटल 5 क्लब ने इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है और अभी रेस में कौन आगे चल रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन सुनाई तो दे रहा है कि एफसी गोवा इस रेस में थोड़ा आगे है। तो रोनिवाल्डो लास्ट टाइम खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया के सेकंड डिवीजन क्लब लुस्टेनाउ, जहां पर इन्होंने एक दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। 67 मैच खेलकर 67 अपीयरेंस करके 53 गोल लगाया है, तो अच्छा खासा एक रिकॉर्ड है। और उसको ही देखते हुए भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिमांड में अब आ चुका है रोनिवाल्डो। तो आगे किस क्लब में जाएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको तो नज़र देना पड़ेगा इस खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि इतना ज़्यादा डिमांड में है तो अच्छा खासा रकम भी इनको मिलने वाला है और किसी अच्छे क्लब में ही ये जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है, जब नेक्स्ट अपडेट आएगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। नेक्स्ट, इसके बाद अपडेट आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ईस्ट बंगाल मैच को लेकर। मैंने आपको बताया था कि अप्रैल में होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ईस्ट बंगाल का मैच। बहुत पहले अपडेट आया था इसके बारे में, उसके बाद अपडेट ही नहीं मिल रहा था, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि अभी वो इस वक्त बाहर जाकर प्री सीजन नहीं करने वाला है और ईस्ट बंगाल के साथ उनका प्री सीजन ही होने वाला था। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खुद ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि अब वो इंडिया में आकर नहीं खेलने वाला है ईस्ट बंगाल के साथ, क्योंकि इसी पेंडेमिक सिचुएशन में जो हाल अभी है पूरे वर्ल्ड में बहुत ही खतरनाक है, और उसको देखते हुए भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। और ईस्ट बंगाल को जब इसके बारे में पूछा गया तो ईस्ट बंगाल ने भी कह दिया है कि हम लोग भी इसके बारे में अभी नहीं सोच रहे। बहुत ही बड़ा रकम का मामला था, लगभग 25 करोड़ का मामला था भाई इस मैच के पीछे, तो ईस्ट बंगाल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बच गया है। लेकिन ईस्ट बंगाल नेक्स्ट फिर से कोशिश करेगा इसके बारे में, ये भी हमें पता चला है। अभी फिलहाल के लिए सब कुछ पोस्टपोन्ड है, लेकिन कनेक्शन जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ ईस्ट बंगाल का वो अभी बरकरार है। तो चलिए नेक्स्ट, जब इसके बारे में हमें कुछ नया पता चलेगा मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट, इसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट और फाइनल अपडेट की तरफ। तो अपडेट आ रहा है एफसी गोवा की तरफ से। एफसी गोवा ने ऑफिशियली जॉन फर्नांडो को ही अपना हेड कोच घोषणा कर दिया है नेक्स्ट सीजन के लिए। मैंने आपको कल के वीडियो में ही बता दिया था कि भाई सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ऑफिशियली घोषणा बाकी है। उससे पहले भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि इसी महीने के अंत में जाकर आपको पता चलने वाला है एफसी गोवा के हेड कोच के बारे में, जो कि अब सब कुछ सज निकल के आ चुका है। तो भाई आप लोग क्या कहेंगे इस साइनिंग के बारे में, कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिए। चलिए हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं इस कोच के बारे में। तो भाई कोच के पास उतना ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा कारनामा करके दिखाया है वेलोस एफसी के साथ। मैंने आपको बताया था कि 3rd डिवीज़न से उस क्लब को उन्होंने टॉप 10 लीग में पहुँचाया था, ग्रीक का क्लब है। तो वो जो एक्सपीरियंस इनका रहा है, वो जो उनको कॉन्फिडेंस मिला है वहाँ से, वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है एफसी गोवा को। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में अभी एक ही बात आ रहा है कि एफसी गोवा नेक्स्ट एफसी चैंपियन लीग खेलने जा रहा है और इस कोच के अंडर क्या अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा, क्योंकि इनके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो भाई देखिए, हरदम एक्सपीरियंस का ज़रूरी नहीं होता है, कुछ दिमाग और दिल का खेल भी होता है। तो इनके पास स्ट्रेटेजी है, अच्छा कोच अच्छा चीज़ करके दिखाया है, और मुझे लग रहा है कि एफसी गोवा ने एक अच्छा चॉइस यहाँ पर किया है। क्योंकि देखिए, एफसी गोवा पहले ही बता दिया था कि हम लोग एक ऐसे कोच के लिए अभी बातचीत कर रहे हैं जो कोच अपने आप को साबित करना चाहता है, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास जुनून है,
तो उस तरह का ही कोच भाई फर्नांडो है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने ग्रीग में काम करके दिखाया है एफसी गोवा के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा और उम्दा काम करेगा ये कोच। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है, आगे आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा। लेकिन भाई मुझे लग रहा है कि आईएसएल का यंगेस्ट कोच है जुआन फर्नांडो, सिर्फ उम्र है इनका 39 इयर्स ओल्ड, यानी कि 39 साल का है ये कोच। तो बहुत ही यंग कोच है भाई। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए आपका क्या ख्याल है इस कोच के बारे में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।